अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं साकी टेक। आईफोन 14 प्रो मैक्स वर्स 13 प्रो मैक्स वर्स 12 प्रो मैक्स, इन फोन्स का मैं Geekbench 5 टेस्ट कर रहा हूँ। सीपीयू और जीपीयू देखते हैं स्कोर्स में कितना डिफरेंस आता है। स्पेसिफिकेशन में बता चलूँ तो 14 प्रो मैक्स की चिपसेट एप्पल A16 बायोनिक 4 नैनोमीटर की चिपसेट लगी हुई है इस फोन में। जीपीयू एप्पल जीपीयू 5 कोर, ग्राफिक्स रैम 6GB। 13 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशन में बता चलूँ तो चिपसेट एप्पल A15 बायोनिक 5 नैनोमीटर की चिपसेट लगी हुई है इस फोन में। जीपीयू एप्पल जीपीयू 5 कोर, ग्राफिक्स रैम 6GB। और 12 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशन बताता चलूँ तो चिपसेट एप्पल A14 बायोनिक 5 नैनोमीटर की चिपसेट लगी हुई है इस फोन में। जीपीयू एप्पल जीपीयू 4 कोर, ग्राफिक्स रैम 6GB। तीनों फोन्स में iOS 16.0.2 इंस्टॉल है। मैं सीपीयू टेस्ट ऑन कर लेता हूं और देखते हैं सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर्स में कितना डिफरेंस आता है। फोर्टीन प्रो मैक्स का सिंगल कोर स्कोर है 1874 और मल्टी कोर स्कोर है 5351। 13 प्रो मैक्स का सिंगल कोर स्कोर है 1744, मल्टी कोर स्कोर है 4721। 12 प्रो मैक्स का सिंगल कोर स्कोर है 1602, मल्टी कोर स्कोर है 4038। सिंगल कोर का डिफरेंस मैं बताता चलूँ तो 130 स्कोर कम है आईफोन 13 प्रो मैक्स का 14 प्रो मैक्स से, और 12 प्रो मैक्स का कम है 142 13 प्रो मैक्स से। मल्टी कोर स्कोर्स का डिफरेंस मैं बताता चलूँ तो 630 स्कोर कम है आईफोन 14 प्रो मैक्स से आईफोन 13 प्रो मैक्स का, और वहीं पे 683 स्कोर कम है आईफोन 12 प्रो मैक्स का आईफोन 13 प्रो मैक्स से। तीनों फोन्स में जीपीयू टेस्ट मैंने ऑन कर लिया है और देखते हैं स्कोर में कितना डिफरेंस आता है। 15,689 स्कोर है आईफोन 14 प्रो मैक्स का, 13 प्रो मैक्स का है 14,594 और 12 प्रो मैक्स का है 9,247। जीपीयू के स्कोर्स का मैं डिफरेंस बताता चलूँ तो 1,095 स्कोर कम है आईफोन 13 प्रो मैक्स का 14 प्रो मैक्स से, और वहीं पे 5,347 स्कोर कम है आईफोन 12 प्रो मैक्स का 13 प्रो मैक्स से। आईफोन 14 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स में परफॉर्मेंस का और जीपीयू का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 12 प्रो मैक्स का काफ़ी है। अगर आपके पास 13 प्रो मैक्स है और आप परफॉर्मेंस के लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स ले रहे हैं तो ना ले तो बेहतर है, आईफोन 15 का इंतज़ार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।